दोस्तों नील शुक्राणु या जीरो स्पर्म्स के बारे में बात करें तो कभी भी कोई इनफर्टाइल कपल जो बच्चा पैदा करने का ट्राई कर रहे हैं और लास्ट एक साल में वो ट्राई कर चुके हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बगैर और बच्चे नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जब भी टेस्ट करने की बात आती है और जब ये रिपोर्ट सामने आती है मेल की कि स्पर्म काउंट जीरो है, सीमेन एनालिसिस का टेस्ट करवाया उसमें पाया गया कि नील शुक्राणु, वहीं उसके होश उड़ जाते हैं, समझ नहीं आता आगे क्या करें। दिमाग में आइडिया आता है कि अब क्या कभी पूरा लाइफ हम बच्चे के बगैर काटेंगे या फिर अडॉप्शन करना पड़ेगा या फिर डोनर स्पर्म का हमें जरूरत पड़ेगा स्पर्म बैंक से, तो ये सब सवाल सामने आते हैं। आइए इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि क्या जीरो स्पर्म्स आने से आगे बच्चा पैदा करने के कोई सॉल्यूशंस हैं, जीरो स्पर्म्स क्यों होते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है और क्या किया जाए। तो सबसे पहले हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। अगर एक कपल आता है इनफर्टिलिटी को लेकर के और लास्ट एक साल से वो बिना कंट्रासेप्शन के रेगुलरली सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर बच्चा नहीं हो पा रहा तो उसको इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन में लाया जाता है। और इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों का जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है 50-50% होता है। और मेल और फीमेल अगर दोनों की बात करें एक साथ तो 1/4 में दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों का ही जो है कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहेगा। तो स्पर्म्स जीरो क्यों होते हैं? नॉर्मल जो स्पर्म्स काउंट है एक ml के अंदर 15 मिलियन काउंट लगभग होना चाहिए स्पर्म्स का। जीरो स्पर्म्स मतलब या तो स्पर्म्स अंडकोश में बन नहीं रहे हैं या फिर बन तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो एग्जिट चैनल है, जो उसकी ट्यूब्स हैं जो अंडकोश से बाहर पीनिस की तरफ, लिंग की तरफ, इजैकुलेट की तरफ लेकर के जाती हैं, कहीं ना कहीं उन नसों में ब्लॉकेज है या वो नसें जन्म से ही नहीं हैं। तो इनके दोनों के अलग अलग कारण हैं और दोनों का अलग अलग इलाज है। अगर हम सही तरीके से डायग्नोसिस करें तो कहीं ना कहीं उसका इलाज संभव है और काफ़ी परसेंट केसेस में उसका इलाज संभव है दवाइयों से भी और कुछ केसेस में सर्जरी से भी। और इन तरीकों का अगर हम सही तरीके से करें तो अपना नेचुरल जो बच्चा है अपना आप स्पर्म से बच्चा पैदा करने के चांसेस कहीं ना कहीं 90% तक हो सकते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करेंगे आगे कैसे, अगर एक बार रिपोर्ट आ जाती है जीरो स्पर्म्स की तो आगे कैसे बढ़ें। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो स्पर्म टेस्ट किया गया है वो सही है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि इजैकुलेट पूरा नहीं हुआ होता, सीमेन बाहर नहीं आ आता, सिर्फ जो प्री कम है वही कलेक्ट हुआ होता है सैंपल में और उसका जब रिपोर्ट आता है तो उसके अंदर जीरो स्पर्म्स होते हैं। दूसरा कारण ये है कि जो लैब है, जिस लैब में टेस्ट किया गया है वो सही से नहीं किया गया, उसके एक पर्टिकुलर तरीके होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, उस तरीके से अगर नहीं किया गया हो तो कई बार स्पर्म्स की वैल्यू उसमें ज़ीरो आ सकती है। तीसरा कारण है कि लास्ट 3 महीने में कभी भी कोई मेजर मेडिकल इलनेस हुई हो या फिर कोई तेज़ बुखार आया हो, कई बार इन कारणों की वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है टेम्परेली शट डाउन हो जाती है और इस कारण में भी स्पर्म काउंट जो है ज़ीरो आ सकते हैं। तो जब भी एक रिपोर्ट ऐसी आती है तो उसके अंदर उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया जाता है लेकिन दोबारा से स्पर्म एनालिसिस, सीमेन एनालिसिस दोबारा किया जाता है कुछ दिन के बाद, ताकि जो इंसल्टिंग फैक्टर्स थे जैसे कि बुखार आया हो और कोई रिसेंट वायरल इलनेस हुआ हो उसका इफेक्ट शरीर से जा चुका हो, तो हम कुछ टाइम वेट करने के बाद सीमेन एनालिसिस सही ढंग से सही लैब में एक्सपर्ट दोबारा करवाते हैं। अगर उसके बावजूद भी स्पर्म्स जीरो आते हैं तो फिर आगे जो है उसका कारण ढूंढते हैं कि क्या अंडकोश में स्पर्म्स नहीं बन रहे या बन तो रहे हैं लेकिन आगे उसकी चैनल्स ब्लॉक्ड हैं। इन सब की जानकारी कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन से, कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं उनसे, अल्ट्रासाउंड से और क्लिनिकल हिस्ट्री से पता चल जाता है। अगर इन चीज़ों से डायग्नोसिस क्लियर नहीं होता है तो एक नीडल टेस्ट किया जाता है जिसको कि FNAC कहा जाता है, टेस्टिस में से नीडल डालकर के चेक किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर कि अंडकोश में स्पर्म्स बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं और अगर बन रहे हैं तो उनकी क्वालिटी कैसी है। इनके बेसिस पे आगे जो ट्रीटमेंट है उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मान लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्टेड एजोस्पर्मिया, इसका मतलब है कि जो स्पर्म कैरिंग जो चैनल्स हैं
वो ब्लॉक्ड हैं, अगर हम उसको हम खोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का पहले नसबंदी का ऑपरेशन हुआ हुआ है, वैसेक्टॉमी हो चुका है, तो उस केसेस में माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करके अगर हम उसको ट्रीट करें तो उसके अंदर स्पर्म्स आने की संभावना होती है और 20-25% लोगों में स्पर्म्स वापस आ जाते हैं इजैकुलेट के अंदर। अगर मान लीजिए कि जन्म से ही जो चैनल्स हैं वास डिफरेंस जिसको बोलते हैं वो थी ही नहीं, तो उस केस में हम चेक कर सकते हैं कि स्पर्म्स अगर बन रहे हैं टेस्टिस में तो डायरेक्टली हम टेस्टिस में से स्पर्म्स ले सकते हैं। उनके प्रोसीजर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं और वो ईजी होते हैं, 10 मिनट के अंदर बिना चीरे के भी ये प्रोसीजर्स हो जाते हैं और कई बार बिल्कुल लोकल एनेस्थीजा में भी सुन करके भी ये प्रोसीजर्स किए जाते हैं और उसमें से हम हेल्दी स्पर्म्स पा सकते हैं। इनको हम माइक्रोटीसा टीसा ये सब प्रोसीजर्स इनके मेडिकल भाषा में इनका नाम दिया जाता है। और कुछ केसेस में अगर स्पर्म्स बिल्कुल जो नीडल टेस्ट के अंदर एफएनएसी टेस्ट में भी अगर स्पर्म्स बहुत पुअर हैं और हॉर्मोन्स की कुछ कमी है तो उसको हम हॉर्मोन इंजेक्शन द्वारा, जैसे कि HCG होता है या दूसरे हॉर्मोन्स होते हैं, उससे हम स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इनसे इनके इंजेक्शन के ट्रीटमेंट से स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल हो सकती है और फिर हम स्पर्म्स जो हैं सेफली वहाँ से निकाल सकते हैं और इजीली निकाल सकते हैं। अगर इन तरीकों से भी स्पर्म्स में की प्रोडक्शन नहीं मिलती है, वहाँ से नहीं पाई जाती है, तो उस केसेस में हम माइक्रोटीसा कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक टीसा में एक छोटे ऑपरेशन द्वारा उसके अंदर से हम जो माइक्रोस्कोप होता है, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, उसके अंदर हाई मैग्निफिकेशन के अंदर हम हेल्दी एरियाज ढूंढ सकते हैं टेस्टिस के अंदर, अंडकोश के अंदर, और वहाँ से हम स्पर्म्स पा सकते हैं। अगर कोई टेम्परेरी इंसल्ट हुई है रिसेंट कुछ टाइम में तो कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं उसकी, ताकि स्पर्म्स बन सकें दोबारा। और इन तरीकों से भी जो अगर किसी के स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं तो वो चीज़ें वापस रिवर्स हो सकती हैं और इससे इलाज संभव है। तो जिन मेल्स को स्पर्म्स नहीं आ रहे हैं और वो एक बार कहीं अपना ओपिनियन ले चुके हैं, तो डोनर इंसेमिनेशन से पहले एक बार हमें आके जरूर मिलें। हम लोग इस चीज़ का, हमारी टीम है जिसके साथ हम IVF लैब्स भी हैं हमारे सेंटर में और IVF एक्सपर्ट भी हमारे साथ रहते हैं। कुछ अगर किसी को हार्मोनल इश्यूज मेजर हैं तो एंडोक्रिनोलॉजी डॉक्टर भी हमारे साथ होते हैं टीम में। तो एज अ टीम वर्क हम कोई भी किसी को मेजर इश्यूज हैं तो हम सेफली उन चीज़ों का सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और मेल इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, बसंत कुंज, नई दिल्ली में।